तो पंजाब ना सीएम भगवत मान हाल संबोधन करी रहा है, सीधा पहुंचिए त्या। परफेक्ट। और पंजाब में इसको फॉलो किया गया है। पंजाब में 6 महीने हुए अभी हमारी सरकार बने हुए, तो 36,000 के आसपास हमारे कच्चे मुलाजम हैं, युवा हैं, लेकिन आउटसोर्सिंग के जरिए टेम्परेरी रखे हुए हैं। हमने शुरुआत की, उनका कानूनी जो दांव पेच थे वो उसमें ना फंस जाएं, बिल्कुल क्लियर करके हमने शुरू किया। टीचर डे वाले दिन 5 सितंबर को हमने 8400 से ज्यादा टीचरों को पक्के किया सबसे पहले। अब और विभागों में भी कच्चे मुलाजमों को पक्के करते जा रहे हैं। 20,000 से ज्यादा हमने नई नौकरियां निकाली और उनकी भर्ती हर रोज नियुक्ति पत्र मिलते हैं। नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है, नीयत साफ होनी चाहिए उसके लिए। हमारे यहां पंजाब में भी ऐसा होता था पहले, जो भी सरकार बनती थी वादे बहुत बड़े बड़े करती थी, सरकार बनते ही बस बयान आने शुरू हो जाते, खजाना खाली है, खजाना खाली है, खजाना खाली है। मैंने कहा जो है ही खाली उसको खजाना क्यों कहते हो, अलमारी कहो, कुछ और कह लो, खजाना तो वो होता है जिसमें कुछ हो, पैसा वैसा। तो नेताओं के लिए खजाना कभी खाली नहीं होता, जनता के लिए खाली क्यों हो जाता है। आते ही हमने सबसे पहला फैसला किया, हमारे यहां पंजाब में विधायक जो हैं, जितनी बार विधायक बने उतनी बार की पेंशन मिलती थी। कई ऐसे विधायक भी थे जो 6-6 बार जीते हुए हैं, 6ठी बार 7वीं बार उनको टिकट नहीं मिला, जहां हार गए उनको 4.5-6 लाख पेंशन मिलती थी हर टर्म की लग से। कई विधायक ऐसे हैं पंजाब में जिनको हारने में फायदा है, क्योंकि जीतेंगे तो सिर्फ सैलरी मिलेगी, हारने के बाद लाखों की रुपए की पेंशन मिलेगी। हमने आते ही एक्ट हम विधानसभा में लाए, 1 विधायक 1 पेंशन बस। भाई आते तो आप हम जनता के पास आते हो कि सेवा का मौका दीजिए, अब सेवा इतनी महंगी पड़ती है जनता को, भाई ऐसी सेवा ही नहीं चाहिए आपकी। सो खुद मालिक बनो देश के। कई बार यूथ बातें करते करते ऐसे कह देता है, हाँ ये भी है, ये भी ठीक है तेरी बात, ये है सिस्टम ठीक नहीं है, करप्शन बहुत है, बेरोजगारी है, चलो हमने क्या लेना, क्यों भाई हमने क्यों नहीं लेना, हमारा देश है, हमने हिसाब लेना है इनको। अभी 28 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है, 23 साल की उम्र में फांसी हो गई थी, अगर वो भी ये सोच लेते कि हमने क्या लेना है तो क्या यहां बैठे होते आजादी में। जिस उम्र में युवा अपने पिताजी से मोटरसाइकिल मांगते हैं, उस उम्र में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी अंग्रेजों से मुल्क मांग रहे थे कि हमारा देश दो, तो उनके कदम चिन्ह पर चलना। हम तो 0.01